सत श्री अकाल केम छो, मेरा नाम है सलमान खान। फिर पुलिस वाले हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हैव डेडिकेटेड देयर टाइम टू। दोस्तों, सलमान खान ने पहली बार लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कुछ बहुत बड़ी बात बोली है। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद सलमान खान ने बहुत बड़ी बात कह दी है। धमकी मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में और भी सख्ती से जांच कर रही है। और जब इस मामले को लेकर सलमान खान से सवाल किया गया कि उनको गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार का किसी भी तरह का कोई भी कांटेक्ट है, तो जिसमें पुलिस को जवाब देते हुए सलमान ने कहा कि मैं गोल्डी बरार को नहीं जानता हूं। मैं साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई को ही जानता हूं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से चलते आ रहे केस के बदौलत ही जानता हूं। जितना सभी जानते हैं उतना मैं भी जानता हूं। जिसके बाद सलमान खान से पूछा गया कि क्या आपके मोबाइल पर धमकी भरा कॉल या फिर मैसेज आया था, जिसके बाद सलमान खान ने कहा कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ किसी से बहस या फिर झगड़ा भी नहीं हुआ है और ना ही कॉल आई है या फिर मैसेज। सलमान खान ने कहा कि धमकी से भरा लेटर मुझे नहीं, मेरे पापा को मिला था, इसीलिए मेरे पास किसी के ऊपर शक करने की कोई वजह भी नहीं है। और लेटर में लिखा हुआ था कि तुम्हारा भी हाल सिद्धू मूसेवाले जैसा ही कर देंगे। और पुलिस को डर सता रहा है कि कहीं सलमान खान के साथ कोई घटना न घट जाए, इसलिए सलमान खान का सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। फिलहाल दोस्तों, आप सलमान खान के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।